हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एपिसोड आपको याद होगा कि हमारे कासल पे हो गया था रेड। हम लोग अपने कुछ काम चीजें बना रहे थे और उन्हीं दौरान ये रेडर भाई साहब कहाँ से आ गया और हमने उसको मार दिया, जिसके कारण हमारे कासल पर रेड हो गई। रेड जीतने के बाद ये कुछ एक और मुझे ये वाला मिल गया, तो मैंने दोनों साइड पे लगा दिए। आज की वीडियो में कोई एक ऐसी चीज दिखाने वाला जो मैं काफी टाइम से बना रहा था। हाँ, मैंने अपने ट्राइडेंट पे अभी तक कोई भी मेंड नहीं लगाया, इसको मैंने रिपेयर भी नहीं किया है और इसकी जल्दी मेंडिंग की भूख लग गई। जो मेंडिंग वाला विलेजर था वो मर गया पता नहीं कैसे, तो उसको वापस से किसी विलेजर को मेंडिंग बनाना होगा, तब जाके हमें ये होगा। उससे पहले जो एक बार मैं आपको अपना वर्ल्ड का टूर दे देता हूँ। तो ये हमारा कासल, ये हमारा विलेजर कासल है, ये हमारा नेदर पोर्टल, ये एक्सपी फार्म, ये शुगर केन फार्म, ये पांडा का हाउस, उधर एक नॉर्मल सा यहाँ पे अपने कैरेट्स वगैरह के लिए मतलब भोजन पानी का अपना इंतजाम, और ये अपना पोलर बेयर का हाउस। ये वॉल का काम भी चल रहा है, मतलब ये वॉल भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कंप्लीट होने में। इधर के साइड अपना ये फूड फार्म, और ये फिर अपना इसको यार्ड को क्या कहूँ मैं, ये अपना इधर पे है, और ये फिर अपना गन पाउडर फार्म जो कि ठीक ठाक काम कर रहा है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं फिर भी ठीक ठाक काम कर रहा है अपना। तो आज की जो वीडियो की जो मेन चीज़ है यानी जो अपना है, उसको एक सेकंड में उसका दिखाता हूँ झलक आपको। ये देखो एक बार मैं आपको पहले ऊपर से दिखाता हूँ फिर अंदर से दिखाऊँ। तो ये है अपना, ये है कुछ अपना वो पिरामिड जो मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। वो फ्लेम पे देख लो ये कुछ इतना ऊँचा, और आपको मैं उस बार टॉप पे जाके दिखाता हूँ इसके। रुक जा, ये देखो ये इसका कुछ टॉप का व्यू, और ये थ्रोन पूरा जल रहा है एकदम, और यहाँ से हमें पूरा मतलब दूर दूर का एरिया दिखता है। वैसे अपना कासल नहीं दिखता क्योंकि वो काफ़ी दूर हो जाता है, रेंडर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, पर अपना फूड फार्म और अपना पोलर बेयर थोड़ा शुगर केन फार्म अपना यहाँ से दिख रहा है। पर हाँ, इसकी मैं आजू बाजू की एरिया भी काफ़ी अच्छा करने वाला हूँ, और अपना इधर जो अपना आयरन फार्म है इसका भी मैं एक बड़ा सा बिल्डिंग बना दूंगा ताकि वो भी दिखाई दे दूर से ही। तो सबसे पहले मैं इसका ऊपर आपको टोटली तो मैंने दिखा दिया, कुछ ऐसा लुक है इसका, मतलब काफ़ी डिटेलिंग की है, एकदम सिंपल वे में नहीं बनाया। पर चलो अब आपको अंदर से दिखाता हूँ मैं। इसके बाहर के काम अभी भी बाकी बहुत सारे, तो वो भी करेंगे धीरे धीरे क्योंकि इसको इसी को बनाने में बहुत टाइम लग गया। तो सबसे पहले ये है कुछ इंट्रेंस, यहाँ पे तीन इसके क्या करें इसको मैं स्तंभ कहूँ, जिसमें आगे जल रही है लाइटनिंग का, जो भी पहले के महलया का में जो भी होता था वो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया। उसके बाद ये नीचे में देखो तो यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ, इसको इनको लाने में सबसे ज़्यादा मेहनत इन्हीं को लाने में लगा पूरा, मतलब सब कुछ में कुछ टाइम लगा ना लगाओ इनको लाने में बहुत टाइम लगा। उसके बाद इस साइड पे दिखाता हूँ तो ये कुछ इस टाइप से, जहाँ पे मैंने पिलर सपोर्ट दिया, मतलब प्योर एशियंट वाली वाइब देने की कोशिश की है। और हाँ, इस साइड का कॉरिडोर मैंने बहुत लंबा है, पर इस साइड के कॉरिडोर को मैंने हरा हरा घास ही रखा है क्योंकि यही अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। और हाँ, इस साइड पे भी वाटर है, इसमें भी थोड़े बहुत फिशेज आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा फिश नहीं पर थोड़ा बहुत मैंने इधर भी डाल दिया है। तो इस साइड पे दिखाओ तो इस साइड भी कुछ सेम ही है, उतना कुछ डिफरेंस नहीं है, पर बहुत तगड़ा लुक आ रहा है। ये देखो कुछ इतना, ऐसे मैं आपको इसको अंदर जाके दिखाऊं तो ये देखो। और हाँ, मैंने उतना लाइटनिंग नहीं की, थोड़ा बहुत अंधेरा भी फील होना चाहिए तब ना लगेगा कि हाँ रियल वाली वाइब आ रही है। तो बहुत ज़्यादा लंबा कॉरिडोर है, ये देखो ये अपना कॉरिडोर वगैरह, इसको जो भी बोलो यानी जो भी बोलना चाहो आपकी मर्जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन चीज़ जो इसके खास, मतलब इसके अंदर का चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जो मतलब असली चीज़ है इसकी, वही ये देखो। वैसे ये इधर के साइड पे वाटर, ये वाटर है, मतलब दोनों साइड से मैंने कुछ इसी टाइप से रखा है। और ये सामने अपना थ्रोन यानी जहाँ पे बैठ सकते हैं, पता नहीं मैंने इसे बीच में ऐसा क्यों बनाया पर मैंने बनाया क्योंकि यही मुझे अच्छा लग रहा था। और आपको ये पिलर वाला डिज़ाइन कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे खाली खाली रख रहा था ना तो अजीब लग रहा था मुझे, तो मैंने ये पिलर दे दिया कि सपोर्ट लगेगा कि हाँ जैसे मतलब पिरामिड किसी के सपोर्ट पे खड़ा है, ऐसे ही नहीं खड़ा। तो ये भी कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। और हाँ, इसके साइड में भी मैंने वही थ्रोन वाली वाइब दे दी, और इसके थ्रोन के आसपास भी मैंने थोड़े बहुत आग जला रखे हैं पता नहीं। और हर साइड पे ये वाटर फिश वगैरह ये जो भी है, आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना।
और दिखाऊं तो रुक जा अभी। और ये वाला भी कुछ सेंटर में इस तरह का, इसमें मैंने सोल सैंड डाल दिया था ताकि मतलब ये खूब ये जो जो भी हो रहा है ये होता रहे, मतलब कुछ रियल इफेक्ट आए ताकि कुछ अच्छा सा लगे देखने में। और ये थ्रोन अपना, इसके ऊपर हम लोग ऐसे यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ से सामने का नज़ारा ले सकते हैं जो कि काफी ज्यादा औसम। वैसे ऊपर की साइड काफी ज्यादा अंधेरा है क्योंकि उसका मैं कुछ कर नहीं सकता आगे, जो तुम्हें समझना समझो। अरे लग गई, लग गई। तो गाइज आपको कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना है। बहुत टाइम लग गया इसको बनाने, मतलब अच्छा खासा टाइम लग गया बनाने में। और हमें, और आप लोग के पास कोई और आइडिया हो तो आप लोग कमेंट में बता देना, क्योंकि मैंने तो मतलब समझ लो सारा दिमाग लगा लिया इसमें करने के लिए। और हाँ बस एक चीज अच्छा नहीं समझ आ रहा कि इसका सामने वाला क्या करूँ, मतलब ये ऐसा ही चौड़े वाला गेट रख, मतलब रेक्टेंगुलर शेप गेट रखूँ या कुछ और करूँ। तो आप लोग कमेंट में जरूर आइडिया देना मुझे कुछ कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ जो अच्छा लगेगा। और आपको कैसा लगा पिरामिड मेरा अंदर से और बाहर से, दोनों कमेंट में बताना। ये देखो अपना कुछ पिरामिड ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो प्योर रियल पिरामिड की तरह बनाया मैंने। चलो गाइस आज के वाले वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। तो आज के वाले वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।